Dhoom, I think has been a landmark film in all aspects. It has affected the way films are made in our country. हम लोग के दिमाग में बहुत क्लियर बात थी कि हम एक वेरी गुड लुकिंग फिल्म बना रहे हैं और उसमें लोग सब यंग थे एंड द कॉन्सेप्ट वाज अ लिटिल बिट न्यू इन टर्म्स ऑफ के उसमें मोटर बाइक्स थी कॉप्स एंड रॉबर्स की एक स्टाइलिश फिल्म बनाने निकले थे हम तो एक बात क्लियर थी हमारे दिमाग में कि गुड लुकिंग फिल्म तीन तरीके से बनती है बिसाइड्स आपके स्क्रिप्ट और आपके गाने और आपके सारी जो बातें होती है वो जब तय हो गया तो हमारी एक जॉइंट मीटिंग थी और वी सॉर्टेड आउट थिंग्स बिटवीन द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज थ्री क्रूशल डिपार्टमेंट्स अनाइटा श्रॉफ अडजानिया फॉर कॉस्ट्यूम्स एंड स्टाइलिंग गुरुजी ब्रदर्स फॉर आर्ट डिपार्टमेंट एंड नीरव शाह फॉर द कैमरा एंड इस मीटिंग से ये तय हुआ कि अब बाइक्स अगर ऐसी हैं तो ये बाइक्स चलाने वाले कैसे दिखेंगे और ये बाइक चलाने वाले ऐसे दिखेंगे तो उनका मेकअप कैसे होगा उनका हेयर स्टाइल कैसे होगा एंड सिंस द एफर्ट वाज एंड द एम वाज टू मेक अ वेरी कूल यंग स्लिक फिल्म विच टारगेट ऑडियंस जब मैंने पूछा था आदित्य चोपड़ा को हमारे प्रोड्यूसर को कि इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए तो उन्होंने कहा था कि 16 to 25 इज़ द टारगेट सिंग तो अगर 16 to 25 को आप प्लीज़ करना चाहते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट और म्यूज़िक और एक्शन और वो सब एक साइड पे छोड़ के कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो आई थिंक अनाइटा श्रॉफ अडजानिया वॉज द एब्सोल्यूट राइट पर्सन फॉर इट बिकॉज शी जस्ट रॉक्स मैंने हमेशा ये कहा है कि धूम की सक्सेस और एक जो ब्रांड बन गया उसमें अनाइटा श्रॉफ अडजानिया का बहुत बड़ा हाथ है आई वुड लाइक इट नॉट टू बी थॉट दैट वे दैट दैट आई अप्रोच ऑल द हीरोइंस ऑफ ऑल माय फिल्म्स इन इन अ सिमिलर फैशन एंड दे ऑल लाइक दीवाज फॉर अ डायरेक्टर एंड एटलीस्ट फॉर मी मेरे लिए हर वो बात जो फिल्म के शेपिंग अप से जुड़ी हुई है वो स्क्रिप्ट से शुरू होती है तो जब मैं जानता हूँ कि मैं इस प्रकार की फिल्म बना रहा हूँ तो उसके हिसाब से फिर उसका कैमरा वर्क होता है उसका एक्शन होता है उसकी शूटिंग होती है शॉट्स होते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट होते हैं प्रॉप्स होता है लोकेशंस होते हैं और कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग होती है तो आई थिंक धूम वन और टू में रिक्वायरमेंट थी उस टाइप की कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग की आई थिंक जब मैं किडनैप बना रहा था थोड़ा सा धूम का हैंगओवर था मेरे दिमाग में बट मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि वो लड़की जो है वो एक 18 साल की लड़की है वो कैरेक्टर जो मिनीषा लांबा ने निभाया था 18 साल की लड़की जो अपर मिडिल क्लास से हैं उनके ड्रेसिंग स्टाइल एक टाइप के होते हैं सो जस्ट जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक आई स्टाइल मिनीषा दैट वे एंड आई थिंक द हैंगओवर ऑफ धूम वॉज देयर के यू नो एक एक प्रकार से मैं कॉन्शियस था कि सारे लोग जो है वो उनका लुक उनके लुक पे ध्यान देना चाहिए और एफर्ट दिखनी चाहिए स्क्रीन पे ताकि लोग नोटिस करें एंड कहानी ऐसी नहीं थी कि वो आम आदमी की कहानी है इट्स अ स्लाइटली लार्जर देन लाइफ स्टोरी एंड एंड द मेकिंग ऑल्सो इज स्लाइटली लार्जर देन लाइफ जिस प्रकार का एक्शन था और संजय दत्त का जो कैरेक्टर था ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंडियन तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड आई थिंक कैरेक्टर्स का स्टाइलिंग हम लोग ने किया था इसमें अनफॉर्चुनेटली अनाइटा वॉज नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट्स बट शिल्पा भाटिया करके एक स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने किडनैप की स्टाइलिंग की है बहुत अच्छा काम किया था मेरे हिसाब से एग्जैक्ट टू द ब्रीफ लेकिन अगर आप देखने जाओ तो मेरे यार की शादी है एक फिल्म बनाई थी मैंने जहाँ पे हीरोइन जो है वो एकदम हिंदुस्तानी इंडियन लड़की है देहरादून में रहती है मनीष मल्होत्रा ने की थी उनकी स्टाइलिंग तो
आई थिंक सारी फिल्म में 90% क्लोथ्स ट्यूलिप के, ट्यूलिप जोशी जो हीरोइन थी उसके उसके कॉस्ट्यूम सब इंडियन थे, सलवार कमीज चूड़ीदार कुर्ता सारीज एंड ब्राइडल आउटफिट्स. मनीष ने बिपाशा बासु का भी स्टाइलिंग किया था, शी इज़ अ मॉडर्न सिटी अर्बन गर्ल, तो उसके हिसाब से बिपाशा का स्टाइलिंग था बिकॉज शी इज़ अ मॉडल एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई फिल्म में हर डायरेक्टर का अप्रोच कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग की तरफ के प्रति ऐसे होना चाहिए जो स्क्रिप्ट के हिसाब से हो. और मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ तो फॉर मी स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्क्रिप्ट से जो बातें निकलती हैं उससे उसके ऊपर कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग निर्भर होता है. आई थिंक ऑनेस्टी बहुत काम आती है एज अ डायरेक्टर. अगर आप जब आर्टिस्ट को साइन करते हैं तो जब उनको कहानी सुनाते हैं तब से उनके साथ एक ऑनेस्टी अगर हो कि इस प्रकार की कहानी है, इस प्रकार की स्क्रिप्ट है, इस टाइप का रोल है आपका, इस कैरेक्टर का ड्रेसिंग सेंस ये है और कुछ इस प्रकार के कपड़े आपको पहनने हैं, अगर आप पहले से उनको बता दें. सो व्हाट हैपेंस इज एन एक्टर प्रिपेयर्स हरसेल्फ यू नो सो दैट एंड इट्स नॉट एज इफ दे डोंट ड्रेस अप इन क्लोथ्स विच आर ऑफ द रिवीलिंग नेचर और या ऑफ शोल्डर ड्रेस हो या नेकलाइन डीप हो या मिड्रिफ दिख रहा हो. आई थिंक सारी जो लड़कियां हैं हीरोइंस उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कपड़े पहने हैं. और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका फिटनेस लेवल उस लेवल पर होना चाहिए कि वो ऐसे कपड़े पहनने में हेजिटेशन ना दिखाएं. सो आई थिंक ऑनेस्टी और फिर एक प्रकार का उनका उनका ट्रस्ट होना चाहिए कि जब उनको शूट किया जाएगा तो इट विल बी एस्थेटिकली डन, वल्गैरिटी नहीं होगी, इट विल नॉट लुक ऑब्सीन और चीप, यू नो दैट फेथ हैज़ टू बी इन देम. यू कीप ऑन टेलिंग देम दैट दे कैन बी पार्टनर्स इन द शूटिंग प्रोसेस, कि अगर कोई ऐसी चीज़ उनको वीडियोस पे दिखे जो उनको पसंद नहीं है, वो अप्रूव नहीं करती हैं, तो वी कैन शूट इट इन अ डिफरेंट वे. सो इस प्रकार से अगर आप उनको कंफर्टेबल महसूस कराएं तो उनको सेट पे कोई तकलीफ नहीं होती है. आई थिंक देन दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल, ऑल द गर्ल्स दैट आई वर्क विद. देखिए इस बात में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बहुत सारा क्रेडिट मैं अनाइटा श्रॉफ अडजानिया को देता हूँ. उनसे एक बहुत बड़ी बात सीखी मैंने जिसको मैंने किडनैप में भी अप्लाई किया था. शी सेड टू मी वंस दैट it's not that much about the clothes and the styling that I do as much as it is about the body on which I'm putting these clothes on. So agar if the body is great, in great shape, whatever I put on it it'll look good. Ye unki humility hai lekin ek bahut gehri baat hai ki kyunki wo jo स्टाइलिंग करती हैं वो अनमैचेबल है, उनके जैसा काम कोई नहीं कर पाता. लेकिन ये बात बहुत बहुत सीरियस है कि अगर एक्टर का बॉडी उस लेवल तक शेप में है तो एक्चुअली बहुत सारे कपड़े जो हैं टाइट फिटिंग, स्नग फिट, शॉर्ट टॉप्स, ओपन शर्ट्स जैसे कि ऋतिक ने पहना था, अनबटन शर्ट, ऑल दैट लुक गुड. And it's just about taking the brief from the director and the filmmakers, which makes the stylist do his or her best. So fitness, Aditya Chopra aur meri ye aur Anaita ki joint agreement thi ke actors ko kafi encourage karein ki aap ek fitness routine अपना लें और अपने शरीर पर इस हद तक मेहनत करके एक्सरसाइज करें कि दिल भी एक 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 अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. आई थिंक मैंने तो धूम वन और टू के बाद ये सीखा कि अगर आप एक्टर को फोर्स करके, कन्विंस करके फिटनेस
पर ध्यान देने की बात समझा दें उनको. What happens is that in the entire film, even the parts में जहाँ पे उनको ऐसे कुछ कपड़े नहीं पहनने जो टाइट फिटिंग हो या रिवीलिंग हो, ओवरऑल एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो एक नॉर्मल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ये कहें तो गलत बात नहीं होगी कि जो इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स, दे हैव मोर कॉन्फिडेंस, दे कैन टैकल अ लॉट मोर थिंग्स, दे आर हेल्दी इन द माइंड एंड द बॉडी. सो वो जो जनरल बात जो है वो एक्टर्स को भी अप्लाई करती है आई थिंक. एंड मैं तो मेरे दिमाग में तो अब काफ़ी क्लियर है कि कोई भी फिल्म हो मैं तो हमेशा अपने एक्टर्स को इनक्रेज करूँगा और परसुएट करूँगा कि वो फिटनेस पर. एंड एक्चुअली आजकल के यंग एक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी इट्स बिकम एनी वे अ ट्रेंड विथ आई थिंक जॉन डिड इट इन धूम एंड फिर सैफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैड चेंज हिज बॉडी टोटली. और फिर सलमान हैज़ ऑलवेज बिन इन टू फिटनेस एंड हैज़ अ ग्रेट फिजिक. आई थिंक ऋतिक को भी सलमान ने एक काफ़ी कुछ टिप्स दिए थे अपने अपने करियर के शुरुआत में. एंड राइट डाउन टू आमिर खान, शाहरुख खान, द यंग एक्ट्रेसेस, ऐश, पिप्स, सारे लोग, सारे जो हैं वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं. प्रियंका को दोस्ताना में देखें तो शी इज़ एब्सोल्युटली रैविशिंग एंड गॉर्जियस. इवन द यंग गर्ल्स, आई रिमेंबर शमिता शेट्टी, मैंने उनके साथ काम किया था, फैंटास्टिक बॉडी. आई मीन शिल्पा शेट्टी, शी इज़ ऑलवेज. तो आई थिंक ये जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स हैं, आज का जो सिनेमा है, आज की जो फिल्म्स हैं, आई थिंक वो दिन चले गए जब एक्ट्रेस थोड़ी सी पहुँच अच्छी लगती थी लोगों को, स्लाइटली हैवी सेट हीरोइंस अच्छी लगती थी. अब इट्स अबाउट अ सुपर फिट गर्ल, एथलेटिक बॉडीज, यू नो, वी कैचिंग अप विद द वेस्ट. एंड फिटनेस पर जितना ध्यान दें एक्टर्स, उनके लिए अच्छा है.